दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर संयुक्त ब्रीफिंग बैठक का हुआ आयोजन। दरभंगा जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर DDC सौ प्रभारी जिला अधिकारी प्रतिभा रानी और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और दरभंगा जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ संयुक्त ब्रीफिंग बैठक का आयोजन आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरसराय में आज मंगलवार को किया गया। वहीं इस वर्ष हो रहे दुर्गा पूजा के आयोजन को पूरे जिले भर में शांतिपूर्ण वातावरण में किस तरह से संपन्न कराया जाए, इस पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही बैठक में कड़ा निर्देश दिया गया कि यदि दुर्गा पूजा में कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करता है या कोई भी अफवाह फैलाने का काम करता है तो ऐसे लोगों के साथ दरभंगा पुलिस काफी सख्ती से निपटेगी और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुर्गा पूजा पंडाल में CCTV कैमरा लगाने की बात भी कही गई। दुर्गा पूजा को लेकर सड़क यातायात व्यवस्था को लेकर भी व्यवस्था की गई है, जिससे कहीं भी पूजा करने आए श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। पूजा पंडालों के पास पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी और कोई भी असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार, अन्य कई पुलिस पदाधिकारी इत्यादि लोग शामिल थे। जितने भी लोगों की जहाँ जहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है, फोर्स मजिस्ट्रेट उनका आज ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही उनको दोहराए गए हैं। सभी फोर्स मजिस्ट्रेट अपने स्थल पर प्रतिनियुक्त रहेंगे। वहाँ के लोकल पूजा समिति के जो मेम्बर्स हैं या शांति समिति के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क में रहेंगे। कोई भी घटना होती है जो या छोटी मोटी कोई बात होती है, झंझट होता है, तुरंत उसको वरीय पदाधिकारियों को और कंट्रोल रूम में सूचित करेंगे। सभी लोगों को जो भी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया वो सब सुनिश्चित करेंगे। पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में उनका जो भी सहयोग करेंगे। एक संदेश जो दरभंगा जिला के नाम देना चाहिए कि लोगों को दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं जिला प्रशासन की ओर से, और सबसे अनुरोध होगा कि पूजा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा समय होता है हमारे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, सब मिलजुल के एंजॉय करें, पॉजिटिव एटमोसफेयर रखें। यहाँ पे जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी हैं प्रतिनिधित्व है, उनका ज्वाइंट मीटिंग करके और उसकी सूचना फोटोग्राफ के साथ हमारे SSP सर को दे देंगे। और जो BDO CO है, तो जो अभी मैम के द्वारा अलग से जो डायरेक्शन दिया गया है क्षेत्र को लेके और पंडाल और जनप्रतिनिधि वगैरह से सूचना लेने का, तो उसके संदर्भ में भी आप लोग व्हाट्सएप दशहरा मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों की व्यवस्था पूरी पुख्ता है, जो बल हम लोगों के पास हैं और जो आवंटित किए गए हैं पुलिस मुख्यालय से, सभी की ड्यूटी बांट दी गई है। उन्हीं की ब्रीफिंग के लिए आज ज्वाइंट ब्रीफिंग थी यहाँ अम्बेडकर भवन में, सबको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवगत करा दिया गया है। और जो लोग नहीं आ पाए हैं तो संबंधित पदाधिकारियों को कहा गया है कि अभी जाकर अपने थाना में, ब्लॉक में, किसी भी स्तर पर जाके एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देंगे सभी पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस के बल को और मजिस्ट्रेट्स को जो यहाँ पर नहीं आ पाए किसी कारणवश। तैयारी पूरी है, जो संवेदनशील इलाके हैं उन सभी जगह पर डिप्लॉयमेंट की गई है, कम्युनली सेंसिटिव भी, और जो हमारी माताएं बहनें आती हैं पूजा में संध्या आरती के समय में खास करके जो भीड़ लगती है वहां पर भी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। डिप्लॉयमेंट की चेकिंग के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं और ट्रैफिक दुरुस्त रखने के लिए भी अलग से हम लोग बल वहाँ पर दे रहे हैं। बड़ा वाहन को जो घुसा दिया जाता है नो एंट्री में, इसके लिए क्या व्यवस्था? इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं? जिनको पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया,
कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी अनुभव नहीं।